इलाहाबाद मिला नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कार्यभार संभालते ही कांग्रेस का इलेक्शन मोड शुरू। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को लेकर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अक्टूबर से बढ़ जाएगी बेसिक सैलरी। कारगिल विजय दिवस पर धरने पर बैठा शहीद विवेक सक्सेना का परिवार, खोखले साबित हुए सरकार के आश्वासन। यूपी में कई आईएएस अफसरों का तबादला, गोरखपुर समेत 3 जिलों में बदले गए डीएम। स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में, मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। खबर है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से। सिद्धार्थनगर जिले में 30 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिले में दौरा कर प्रधानमंत्री के होने वाले कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके साथ ही जेल मैदान में पहुंचकर पंडाल का निरीक्षण किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी 9 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार के 5 साल पूरे होने तक प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज होगा। यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं और एनएलसी के इंस्पेक्शन और अप्रूवल के साथ प्रधानमंत्री जी के कदमों से हम लोग इस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रस्तावित कर रहे हैं। इस नए सत्र में यानी अक्टूबर तक यहां पे 100 बच्चों के साथ प्रवेश प्रारंभ हो सकता है। नीट के माध्यम से चूंकि प्रक्रिया प्रारंभ होती है, सितंबर में नीट की इंटेंस एग्जाम होती है, जो इंटेंस एग्जाम है मेडिकल की और नीट की वह सितंबर में है। अक्टूबर में काउंसलिंग के थ्रू यहां पे बच्चे आएंगे। फैकल्टी यहां पर पूरी है क्योंकि 21 तो इन्होंने नए अपॉइंट किए हैं और 30 पहले से इनके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज शिलांग में आसाम राइफल्स के जवानों के साथ वृक्षारोपण किया। वहीं महाराजगंज जनपद से सटी भारत नेपाल की सीमा सुरक्षा तैनात सशस्त्र सीमा बल SSV की 66 बटालियन के स्वास्थ्य एवं स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें नेपाल सीमा पर स्थित 16 सीमा चौकियों सहित बटालियन हेड क्वार्टर पर लगभग 4000 पौधों को रोपित किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों, जवानों सहित उनके परिवार जनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान SSV जवानों ने सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले ग्रामीणों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए पौधारोपण करने एवं उसकी देखभाल के प्रति जागरूक किया। जय हिंद। आज हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं 2021 की, और इसके अंतर्गत हमारी 66 बटालियन हमारे बटालियन हेडक्वार्टर का जो एरिया है उसमें, और हमारी जो सीमा चौकी हैं टोटल 16 जो कि सिद्धार्थनगर और महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, और उसमें हम प्लांटेशन ड्राइव 2021 कर रहे हैं। और उसका आज हमने एक कार्यक्रम रखा हुआ है, तकरीबन 4000 पौधे आज का हमारा लक्ष्य है इसको लगाने के लिए। और पिछले 1-1.5 महीने में इस साल में जो हम टोटल जो पौधे लगा चुके हैं, 13000 पहले लगा चुके थे, 4000 आज, तो टोटल 17000 हो जाएंगे। और हम लोगों को जो हायर हेडक्वार्टर से जो टारगेट दिया गया है वो तकरीबन 23000 कुल पौधे लगाने का दिया गया है 66 बटालियन को। इस तरह से सिर्फ हमारी बटालियन ही नहीं, SSB की तमाम अदर यूनिट्स जो हैं, अदर फॉर्मेशन जिसमें ट्रेनिंग सेंटर, हायर हेडक्वार्टर्स, सब जो है प्लांटेशन ड्राइव में है। और आज का जो दिन है, आज हमारे गृह मंत्री जी जो हैं वो शिलोंग में प्लांटेशन ड्राइव असम राइफल के अंतर्गत कर रहे हैं, और उसी के साथ एसोसिएट करते हुए हमारी तमाम जो यूनिट्स हैं SSB की, इसके अलावा CRP, BSF, CSF सब लोग जो है आज मेगा प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के एटा से। एटा कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोगों को कार सवार चालक ने रौंद दिया, जिससे एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए गए हैं। कल्लू खा पुत्र बराशत अली उम्र लगभग 52 वर्ष एटा गल्ला मंडी से पल्लेदारी कर अपने घर ककारा बली जा रहा था कि तभी पीछे से कार को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए स्विफ्ट डिजायर चालक ने कल्लू खा को जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर के बाद अनियंत्रित कार ने मोटरसाइकिल सवार भगवान सिंह पुत्र चंद्रपाल व नमन कुमार पुत्र वेदराम निवासी दुल्लापुर थाना कोतवाली देहात को भी रौंद दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां कल्लू खां की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में कर पंचनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की है। इनका मामला ये है, रात ये मंडी से कार करके काम करके जा रहे थे। कौन जा रहे? गल्ला मंडी से जी। कल्लू जी, कल्लू जी हैं, और ये काम करके जा रहे थे तो रास्ते में अलीगढ़ रोड पर जी इनको मार स्विफ्ट डिजायर इनकी 82X 3232 इनको मार गई। तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? ये सिंध पंजाब की दुकान है, कार शोरूम, उसके पास। तो मौके पे ही मौत हो गई इनकी? इनकी नहीं, वहाँ से इनको पता चला था, गंभीर चोट में घायल थे, बेहोशी में उठा के लाए थे, तो वहाँ से घर पे लाए थे। रात में लापाए 2 बजे 2:30 बजे के लगभग, तो घर पे आ गए। और कितने लोग घायल हैं? और उसमें 2 लोग और घायल। खबर है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से। कौशाम्बी जिले में लाठी डंडों से लैस दो पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दर्जनों लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर के साथ टूट पड़ते हैं। इस मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वायरल वीडियो सराय आकिल थाना क्षेत्र के अंबारी गांव का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों में चुनावी रंजिश चल रही थी। आज शाम लगभग 5 बजे फाजिल की बकरी विपक्षी के खेत में चली गई। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज होने लगी। जब इस बात की सूचना प्रधान सद्दाम को हुई, तो दबंग प्रधान सद्दाम ने अपने साथियों के साथ मिलकर घर पर लाठी डंडों से लैस होकर हमला बोल दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो भीड़ में मौजूद किसी शख्स ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। खबर है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से। महाराजगंज जनपद के फरेंदा सर्किल के क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त द्विवेदी ने साइबर क्राइम पर एक मोटिवेशनल वीडियो बनाकर खुलकर लोगों को इस क्राइम के बारे में जानकारियां दी। सीओ फरेंदा ने बात करते हुए बताया कि महाराजगंज पुलिस ग्रामीणों को साइबर क्राइम के प्रति लगातार जागरूक करने में लगी है। उन्होंने बताया कि हम अपने बीट अधिकारी को इसके लिए जनता के बीच भेजते हैं और ग्रामीण को साइबर क्राइम के लिए जागरूक करते हैं। उन्होंने बताया कि आजकल साइबर क्राइम के बहुत तरह के अपराध हो रहे हैं, जिसमें ATS के कोड की चोरी तथा फोन पर कॉल करके इनाम जीतने के बहाने भोले भाले ग्रामीणों को ठगने जैसी तमाम घटनाएं संज्ञान में आ रही थी, जिसको लेकर महाराजगंज पुलिस लगातार जागरूकता फैला रही है। इसके लिए क्षेत्राधिकारी की आम जनता तारीफों के पुल बांधते हुए नहीं थक रही। कई मामलों में महाराजगंज पुलिस ने इस तरह के ठगों को जेल भी भेजा है। क्षेत्राधिकारी सुनील दत्त दुबे द्वारा साइबर क्राइम के लिए किए जा रहे प्रचार प्रसार अभियान में जन जागरूकता बहुत अच्छी तरह लोगों में फैल रही है। लोग साइबर क्राइम के प्रति जागरूक हो रहे हैं। जैसा कि CO द्वारा, अपने बीट अधिकारी द्वारा क्षेत्र में प्रचार कराया जा रहा है कि लोग OTP आदि किसी को शेयर न करें, अपना ATM पिन किसी को शेयर न करें। इस तरह की जागरूकता से लोगों में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। लोग साइबर क्राइम के प्रति जागरूक हो रहे हैं। CO की इस मामले में भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद थाना नगला शिंदी क्षेत्र के अंतर्गत बांस झरना नगला मड़िया में आज सुबह लगभग 8 बजे विद्युत खंभा खड़ा करते समय 11,000 वोल्टेज लाइन से छू जाने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 6 लोग घायल हुए हैं। ये तीनों मृतक गांव में पूर्व प्रधान के यहां कांच के नग बनाने का काम करते थे। गांव में देखा गया है कि विद्युत तार कहीं कहीं तो जमीन से 2 या 3 फीट की ऊंचाई पर हैं और कहीं घरों की छत से नंगे तार गुजर रहे हैं। ये विभाग की घोर लापरवाही है। यहाँ पर सुबह करीबन 6 बज रहे थे, तब कुछ मतलब ये खेत वाले, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर खेत ये बजाया जाएगा, तो ये लट्टा मतलब उठाने आए थे यहाँ पर, तो लट्टा उठाते समय तार से छुप गया था ऊपर का मुंह, उसमें करंट आ गया था। 8-10 लोग थे, 10 लोग थे, तो उसमें करंट आ गया था, तो उसमें सभी लोग को पकड़ लिया था बिजली ने, तो
तीन लोग तो ऑन द स्पॉट ही मतलब गैरों से हो गए थे, खत्म ही हो गए थे लगभग, और बाद बाकी को मतलब ठोंक पीट कर सही कर लिया गया था, और बाकी हॉस्पिटल में भर्ती है। दो लोग यहाँ पर मौजूद हैं अभी और बाद बाकी हॉस्पिटल में भर्ती है। तीन लोगों का अभी कुछ पता नहीं है उनका क्या है। तो इसकी जानकारी बिजली विभाग को नहीं दी कर्मचारियों को, यानी के लट्ठे के बारे में जानकारी गाड़ने के लिए? नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था, लेकिन मैं दूर था, खेत पर आ रहा था मेरा, तो मैं वहाँ पर था। बिजली विभाग को सूचना दी या नहीं दी इसके बारे में मुझे नहीं पता है, आपको बताऊँ ये बात है। तो ये प्राइवेट यानी टेबल वाले गड़वा रहे थे कि ये खेत वाले गड़वा रहे थे लट्ठे को? लट्ठे को खेत वालों ने कहा था कि साइड से कर ले, मतलब वो खेत बह रहे थे, वो साइड से कर रहे थे, लेकिन गड्ढे में फंसा था लट्ठा, तो उसे निकालने के चक्कर में वो तार से छुप गया, वो गाड़ नहीं रहे थे इस वक्त। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।